शिवाय ओम नमः फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जाननी गुरु जी के साथ ज़्यादा नहीं नहीं है जस्ट सिक्स मंथ का है देन दिस जुलाई स्टार्टेड मेरे एक दोस्त है रिधिमा, तो वो मुझे बहुत दिनों से ऐसे बोल रहे थे कि तुम जो मंदिर जाते हो इधर उधर जाते हो तो तुम एक बार गुरु जी का मंदिर भी आया करो अच्छा लगेंगे तो मैंने बोला कि ठीक है मैं ट्राई करूँगी मुझे तो लाइसेंस नहीं तो मैं अकेली तो नहीं आ सकती तो मेरे हस्बैंड को बोलना पड़ेगा तो मेरे हस्बैंड को बार बार मैं बोलती रही कि चलो एक दिन गुरु जी का मंदिर थर्सडे घूम के आते हैं तो मेरे इधर क्लास रहते हैं पास में ही तो फिर भी मेरे हस्बैंड नहीं मेरे को साढ़े छः सात बजे से मेरे को मीटिंग रहता है तो मेरे से नहीं होगा तो मैंने एक दिन बहुत गुस्सा होगा कि मेरे ऊपर चलो एक दिन के लिए नहीं तो मुझे तुम छोड़ के आना बाद में तुम लेके आना तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट थर्सडे उस दिन था तो मुझे बोला कि चलो मेरा मीटिंग कैंसिल हो गया देन वी कैन गो तो मुझे मन में तब ये आया कि गुरुजी मुझे पता नहीं आपको मैंने कभी ये देखा नहीं मुझे कुछ पता नहीं आपके बारे में जो मुझे दोस्त ने मुझे बोला था वही थोड़ा सा मुझे पता है तो फिर मैंने यही बोला कि मुझे जाना है आपके पास हर थर्सडे और संडे तो पहले मेरे हस्बैंड को आपको जोड़ना है मेरे हस्बैंड को आपको इदस दिला है कि चलो तुम भी आ जाओ तो फिर उसके बाद ही मैं आ पाऊँगी अदरवाइज़ नो तो फिर मैं इधर आके मुझे तो पता नहीं मैं तो गुरुजी के पास ऐसे ही बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड को भी आने के लिए आप इधर इतना कुछ करो कि हाँ वो मेरे हस्बैंड के आने लगे तो मैं फिर भी मैं भी आ सकती हूँ तो चलो गुरुजी ने तो इतना मेरे हस्बैंड को जुड़े हैं उनके साथ कि मेरे से भी ज़्यादा वो जुड़ गई है तो मेरा हिंदी थोड़ा खराब है आई एम सॉरी तो फिर तो ऐसे तो हम लोग आते रहते हैं गुरु जी के तो ऐसे मंदिर में मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल एक दिन ऐसे हुआ कि मैंने इधर इस तरफ बैठी थी मंदिर में तो मुझे ऐसा लगा मेरे पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया कि स्टडी के लिए इतना मतलब बहुत कुछ किया मेरे पापा तो मैंने बोला कि इतना मुझे हेल्थ केयर के लिए भी किया तो मैं कुछ हेल्थ के लिए हेल्थ केयर के लिए कुछ क्यों ना कर सकती हूँ तो ट्राई करूंगी एक बार मैं ऐसे ही मन में गुरु जी को भी नहीं बोला मैंने जस्ट ऐसे ही मन में बढ़ रही थी कि चलो कुछ हो जाए तो मेरे पापा बहुत खुश हो जाएंगे और कोई खुश हो नहीं हो तो फिर नेक्स्ट टाइम दो दिन के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो कुछ एम्स एडुकेशन में कुछ ये चल रहा है तो तुम का एडमिशन लेना है तो तुम ले सकते हो ट्राई करो एक बार एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा उधर पास हो उसके बाद ही एडमिशन मिल सकते है तो मैंने बोला ठीक है मुझे पता नहीं एग्ज़ाम में पास हो सकती कि नहीं तो मेरे हस्बैंड बोले गुरु जी तुम्हारे पास है ना तो कोई टेंशन नहीं तुम एग्ज़ाम के लिए बैठ जाओ तो फिर एग्ज़ाम हो गया तो मैंने उसमें पास हुई एडमिशन भी हुआ तो एडमिशन के बाद मुझे मैं बोली कि इतना स्टडी मुझे पता नहीं था कि इतना टफ़ होगा तो मिड टर्म में एग्ज़ाम हुआ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ये मार्क्स भी नहीं आए तो दो महीने का डेढ़ महीने का बात है तो फिर मुझे तब बहुत बुरे लगे कि मेरे सबसे कम नंबर मेरे पास था तो मैं फिर गुरु को तब मैंने बोला कि ऐसे क्यों क्या गुरु तो पता नहीं ठीक है मैंने फिर घर आई तो नहाने के बाद गुरुजी के मेरे बेडरूम पे गुरुजी का एक पिक्चर है तो मैं जाके ऐसे गया तो तब मुझे ऐसे लगा कि जो हुआ अच्छा हुआ ऐसा मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड को ऐसे में बोला कि देखो मेरे को लग रहा है ना ये जो मैंने मार्क्स कम रहा था अच्छा हुआ क्योंकि मैं स्टडी अच्छा करने के लिए गुरु जी ऐसे किया कि चलो अच्छा स्टडी करो जो फाइनल जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप तैयार करने के लिए तो फिर चलो उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम भी आए थे आया तो प्रैक्टिकल के दिन थे ये मेरा बहुत टफ था कि मैं कैसे करूँ पूरा प्रैक्टिकल है रियल पेशेंट के साथ काम भी करना है तो पास नहीं हो तो मैं क्या करूँ तो ऐसे मेरे पास एक गुरुजी का ब्रेसलेट था मैं पहन के गए चलो गुरुजी मेरे पास रहे तो मैं कर सकती हूँ मैं जस्ट ट्राई किया जस्ट आई जस्ट इंटर इंसर्ट द नीडल देन आई जस्ट ए नो ब्लॉड सो माई गॉड आई मीन माई बी आई विल फेल देन मैंने सोचा कि ओके okay, मेरे पास जो बिकचर है मैं ऐसे बोला जय गुरु जी ऐसे करके तो मैंने किया तो ब्लड तो आया ना मैंने हंड्रेड ऑन हंड्रेड मिला मतलब तो प्रैक्ट प्रैक्टिकल में तो मुझे कभी मैंने ये भी सोचा भी नहीं था कि मैं जो कम्स मार्क्स था मिडिल मिड्राम एग्ज़ाम में तो वंड्रेड और हंड्रेड कैसे मिल सकते हैं तो फिर नेक्स्ट डे मेरा ये भी था पेपर एग्ज़ाम था तो मैं उस दिन थर्सडे था जिस दिन मैंने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था तो मैं रात को आई तो मैंने जेर अंकल को बोली कि मेरा ना कल पेपर एग्ज़ाम है तो मुझे एक पेन चाहिए गुरु जी का तो मुझे पास होने के लिए तो फिर नेक्स्ट डे एग्ज़ाम हुआ तो मैंने जस्ट जय गुरु जी बोल के मेरे ब्रेसलेट को स्टेज से करके जय गुरु जी बोल के मैंने जब पेपर को मैंने क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन ओके दिस इज फॉर ओनली फॉर मी दिस क्वेश्चन आई वाज थिंकिंग ओम माई गा दिस क्वेश्चन ओनली फॉर मी आई जस्ट नो एवरी थिंग देन सेड ओके गुरुजी आई कैन डू तो फिर मैंने एग्जाम हुआ उसपे भी मैं पास गई तो फिर गुरु जी को मैंने जितना भी शुक्राना करूँ कि मेरा मेरे को जो नहीं हो सकता कि मैं वो भी किया कि मुझे पता नहीं था कि मैं एग्ज़ाम में पास हूँ ये ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं एग्ज़ाम में पास हूँ तो उसके बाद इतना अच्छा 84 5 परसेंट जो मुझे मिला है दर तो थैंक्स यू गुरु उसके बाद और बाकी का मैं बोलूँ मेरे भाई के साथ मैंने एक हुआ मेरे भाई इंडिया पे है तो एक दिन मैंने रात को मतलब इस इस टाइम पे मैंने बैठी थी तो मेरे भाई ने बोला कि पता है दीदी मेरे को रात को एक मेल आया था मैंने देखा नहीं रात बारह बजे के बाद मुझे आज सुबह एग्ज़ाम है तो मैं अभी भी कार पे भी जाओ बाइक पे भी जाओ मुझे पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि टेन ओ क्लॉक एग्जाम स्टार्ट है तो ऑलमोस्ट सेवन थर्टी हो गया तो इधर जाते तो बहुत टाइम लगेंगे तो मुझे ऐसे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैंने बोला कि ठीक है तुम जाओ शायद तुमका नंबर लास्ट में हो सकते तुम जाओ इंटरव्यू के लिए तो बोला कि ठीक है तुम बोल रहे हो तो मैं अरेंज करके जा रही हूँ तो गए है, है तो मैं जस्ट क्लोथ्स था मेरे पास मैं क्लोथ फोल्ड कर रही थी तो मैं उधर ही बैठ गई मैं क्लोथ जब ठीक है मैं जय गुरु जी बोल के मैंने ऐसे बोला कि गुरु जी आप मेरे भाई के साथ रहना बाकी तो जो होगा मुझे पता नहीं आप प्लीज़ उसके साथ रहना तो फिर वो मुझे मैंने जब बैठी दी कि ठीक है उसको देखते हैं क्या होते हैं तो मैंने उसके लिए वेट किया मैंने जो शाम को फिर फ़ोन किया उस टाइम शाम को तो मुझे मेरे भाई ने बोला कि मेरा एग्ज़ाम हो गया और जो मुझे मतलब इतना पहुँचने का मुझे कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसके टेन टेन ओ क्लॉक एग्जाम स्टार्ट है मैंने तो पहुँची इलेवन ऑलमोस्ट इलेवन ट्वेंटी समथिंग तो मेरा नंबर लास्ट में था तो जस्ट मैंने जब जब एंटर किए तब एक जो मेरे पहले जो था वो जस्ट फिनिश करके आए हैं तो मैं एंटर किया उधर जाके भी जस्ट वैसे बोला कि मुझे पता नहीं था कि कौन गुरुजी है ये है लेकिन तुम मनते हो इसलिए मैं भी बोल रही हूँ कि ठीक है मैं दीदी मानता है तो ऐसे भी जय गुरु जी बोल लेती तो उधर एग्जामिन के थे उसका जो लिंक है तो खोल नहीं रहे थे कि वो इंटरनेट काम नहीं कर रहे थे तो जो एग्जामिनर था वो बोला कि ठीक है तुम बाहर जाओ बाहर जाके इंटरनेट ठीक हो तो मुझे दिखा लेना मैं वेट कर रही हूँ दो मिनट तो बाहर जाके इंटरनेट भी मिल रहे थे मिले मिल रहे थे इतना बार ट्राई कर दो इंटरनेट क्यों नहीं आ रहे तो इधर एक कोई एक बंदा था तो बोले कि अच्छे से बात भी नहीं करे शायद फिजिकली मेंटली शायद डिस्टर्ब होगा तो मुझे ऐसे बुला रहा है कि इधर आओ तो मुझे अच्छा गुस्सा है कि क्यों बुला रहा है ऐसे कि अभी तो मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं उसके पास जाऊँ जाके के बोलूँ कि क्या है तो बोले ठीक है बार बार बुला रहा है तो मैं जाके आती हूँ तो वो बोले मेरे पास इंटरनेट शेयर कर लो तो मैं तब स्टंगी तो ये बोला बोल सकती कि हाँ इंटरनेट बात भी नहीं कर पा रही हो तो मुझे बोल रही कि इंटरनेट अब शेयर करके आपको जो करना है कर लो तो फिर जाके उसका इंटरव्यू हो गया तो ठीक है वो पास भी हो गया इंटरव्यू में तो मैं जस्ट बैठी बैठी वही बोली कि रात को मैंने जब तक इतना सारा मेरे पास क्लोथ पड़ी थी मैं उसके अंदर बैठी थी मैं गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी करते कि जो आप उसके साथ रहे ना रहना देट तो ये तो गुरु जी का है और मेरे बेटे भी मेरे गुरु जी के साथ इतना जरी है आज सुबह की आज की बात है हम लोग प्लान कर रहे थे कि चलो हम लोग सन कहीं पर घूम के आते हैं छुट्टी है तो ऐसे वो सुने नहीं वो तो बाहर प्ले कर रहे थे ऐसे कुछ हम दोनों डिस्कस कर ले मेरे हस्बैंड और मैं तो मुझे बोला कि ऐसे ही कि संडे में काई नहीं जा सकती क्योंकि संडे मुझे गुरुजी के पास जाना है ना तो संडे में काई पर अब जाना है तो कल चलो या थर्सडे सैटरडे चलो संडे में काई पर नहीं जाऊँगी तो मतलब गुरु जी के साथ मतलब दिन छोटे हैं लेकिन इतना दिन जुड़ी नहीं है लेकिन गुरु जी के साथ इतना छोटा 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 छोटे स्टोरी हुई है कि मतलब बता नहीं सकते एक दिन जन्माष्टमी के दिन था मैं उस साइड बैठी थी ये तो मतलब जब मंत्रो जब कर रही थी ऐसे जस्ट मैंने आंखें बंद करके मंत्र जब करती हूँ तो ऐसा लगा कि मुझे एकदम आंखों के सामने मुझे लगा कि मैं गुरु जी को फेल देखा तो मैंने जस्ट आंखें ओपन कर ली उसके बाद मैं आंखें बंद नहीं कर पा रही थी कि मुझे इतना डर लग रहे थे पता नहीं क्यों डरी हुई थी मैं जस्ट एक जब स्टार्ट हुई तो एक महीने के बाद ही लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड को हर टाइम वो गुरु जी देखते हैं कि मुझे दस मिनट के लिए मुझे कभी होते तो मैं गुरु जी को देखती हूँ फीवर होते है तो एक दिन फीवर था दो दिन बहुत फीवर था उसका तो मतलब मैंने बोला कि जम्प तो कम ही नहीं हो रहा था तो क्या हो? मतलब प्रॉब्लम क्या है फीवर कम नहीं हो रहा है तो एक दिन मुझे जस्ट आई आई एम ओके तो क्या हुआ तो मुझे मतलब मुझे लगा कि गुरु जी के आके मेरे बेट पर जस्ट टच किया मेरे सेट पर तो मुझे लगा कि आई एम ओके तो दस सी उसके बाद और ठीक हो गए तो मतलब मेरे हस्बैंड तो बहुत ही मानते हैं मतलब हम लोग कार पे भी कभी के बार जाते हैं तो हार मतलब जितना भी दूर हाफ टाइम तो हम लोगों के पास सत्संग वाला गाना चलते की कि चलो सत्संग सुन लेते हैं नहीं तो जब जो, जो सप्त कितने होते हैं वो भी सुन लेते हैं तो आज सुबह मैं एक अम, जस्ट दो दिन तीन चार दिन पहले मेरे के एक फ्रेंड ने इंडिया गए हैं तो मैं कुछ बेसलेट मैंने इधर से लेके मैंने भाई को और मेरे देवर है उसको भी भेजा मैंने तो दो तीन दिन से जा नहीं पा रहे मेरे भाई बोल रहे मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है मेरे ऑफिस जाने का तो मैं उसको लेने के लिए जाना भी है तो वो पार्स पड़ी है तो ये इतना दिन से वो लोग इंडिया गए हैं अभी तक उसका टाइम नहीं हो रहा है कि जाने लेकिन गुरु के बेसलेट भी था गुरु उसको थर्सडे मेरे घर पर आना था मेरे घर का तो आज ही थर्सडे गए हैं तो जाके वो पार्सल लेके आए तो मैंने बोला अच्छा हुआ गुरुजी तुम तुम्हारे घर थर्सडे को ही आए है और अदर दिन नहीं आए तो ऐसे ही वो बोलते हैं हाँ गुरु के आने के बाद मुझे एक अच्छी खबर भी आए हैं मैं तुमको कल बताऊँ कि ऐसे बोला मैंने बोला ठीक है कुछ सरप्राइज हो तो तो फिर ऐसे मतलब होते ही रहते हैं आज सुबह और भी एक कहानी हुई छोटी मैं जस बैठी थी सुबह की और फ़ोन पे जस होते हैं ना गुरु जी का सत्संग होते हैं ये होते तो मैंने एक छोटा सा मैंने देखा कि गुरु जी का ऐसे बोल रहे हैं कि टेंशन तुम लोग क्यों लेते हो टेंशन लेने के लिए तो मैं हूँ ना तो तुमको जो करना है तुमको शुक्राना करना है गुरु जी को शुकराना करो और जो मतलब बोलते हैं कि तुमको जो मिले है उस लिए शुक्राना करो तुमको जो नहीं मिले वो ये सोचो कि आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों आपको मिल ही जाएंगे तो शुकराना इसलिए करो कि मैं तुमको जो मिली है तो मेरे बेटे बोल रहे हैं कि ऐसे इसका मतलब क्या है मैं उसको इसका मतलब पता है कि ये है तो फिर उसको पापा के जाके बोल रहा है इसका मतलब पता है हर टाइम यू हैव टू डू द शुकराना गुरु गुरु जी ओके शिवाय शिवजी सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सहाय